खबर हरियाणा प्रदेश की शान में आपका स्वागत पेश है। अभी तक की खबरें। बहादुरगढ़ शहर में सोमवार को एसडीएम कार्यालय पर तहसीलदार को राष्ट्रपति व हरियाणा के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके माध्यम से गांव झांसा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा की दलित छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद उसकी निर्गम तरीके से हत्या कर दी गई, लेकिन हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं गए। आज राष्ट्रपति को लेकर यह मांग की गई है। जिन हत्यारों ने इस लड़की की निर्गम तरीके से हत्या की है, जिससे इंसानियत शर्मसार हुई है, इन हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जहां एक तरफ तो जी, मैं विजेंद्र लोखड़ प्रदेश अध्यक्ष दलित महासभा हरियाणा, मैं अपने साथियों के साथ आज बहादुरगढ़ के एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए मेरे साथियों के साथ मैं आया हूं। कुरुक्षेत्र के झांसा गाँव की एक घटना है जो बहुत खतरनाक और खोपनीय घटना है। एक दलित छात्रा के साथ एक गैंगरेप हुआ था। गैंगरेप के बाद मैं उस दलित जो छात्रा थी उसके गुप्त अंगों में भी कुछ लोहे के राड वगैरह डालकर उसकी ऐसी दर्दनाक मौत दी है। सरकार एक तरफ तो चाहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को पूरे भारत देश में फैलाया जाए, लेकिन आज दलित समाज की बेटियों के साथ इतने भद्र व्यवहार हो रहे हैं, जो जगह जगह पर बेटियों के साथ बलात्कार करके उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जिन दरिंदों ने ऐसा घिनौना कार्य किया है उनको पकड़ के तुरंत फांसी दी जाए। आज हमने जो ज्ञापन दिया है वो माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया गया है और हमारे हरियाणा के राज्यपाल महोदय के नाम दिया गया है। मैं इनसे मांग करूंगा कि इन दरिंदों को पकड़ के जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा दिलवाई जाए, ताकि भविष्य में हमारे बच्चों के साथ, बेटे तो बेटी होती है चाहे किसी भी समाज की हो, जो इनको पकड़ के आज फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। मैं तो बस यही मांग करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, भगवान से कामना ये करता हूँ कि भविष्य में हमारे बच्चों के साथ में ऐसी खिलवाड़ ना करी जाए। धन्यवाद। विजेंद्र जी, एक सवाल है मेरा जी। ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है दलित समाज के ऊपर, जो अत्याचार हो रहे हैं जी, इनको आप कैसे देख रहे हो, इनका समाधान किस तरह से हो सकता है? दलित समाज के ऊपर लगातार अपराध जो चले हुए हैं, हम उनके ऊपर मुहिम चलाए हुए हैं। हमारा पूरा हरियाणा प्रदेश ये चल के आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि हमारे जब भी किसी के साथ घटना घटती है तो हम चाहते हैं कि सभी एकत्रित होकर राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन दिया जाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाए, हरियाणा के राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया जाए, ताकि भविष्य में हमारे बच्चों के साथ में ऐसी कोई घटना ना हो। मैं सबको को से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को अकेला कहीं भी ना भेजे, क्योंकि आजकल का जो दौर चला हुआ है वो बहुत ही गंदा और घिनौना दौर चला हुआ है। अपने बच्चों को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ की नीति पर ही ध्यान देना चाहिए हमें। अगर ज्ञापन के बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो क्या? अगर ज्ञापन के बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो हम इसके विरुद्ध बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। आज मेरे 50-60 साथी में जो आए हैं, ये कल एक कारवा बन के तैयार होगा और हम चाहेंगे कि पूरे हरियाणा में जो ये दलित समाज की बेटियों के साथ अत्याचार होते हुए आए नज़र आ रहे हैं, पूरा हरियाणा प्रदेश एकत्रित होकर इन दरिंदों के साथ बार बार मैं यही मांग करेगा कि इनको केवल एक ही सज़ा, इनके लिए केवल फांसी की सज़ा मुकर्रर की जाए।